कोताही जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात और फिर मुस्लिम लीग नून के वफद की जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और रोहन चौधरी ने अपनी नशस्तों के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। IPP और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बात होती तो अब्दुल अलीम खान भी मुलाकात में साथ होते। जहांगीर तरीन लोधरा से खुद और अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं और चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, जहांगीर तरीन की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात और फिर मुस्लिम लीग नून के वफद की तरीन की रिहाइशगाह आमद के बाद जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके अंदर पहले भी जो ये मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात है उस पर जो है मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी और जब नवाज शरीफ वतन वापस आए और ओन चौधरी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए तो उसके ऊपर भी जो है उनको शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया और उसके बाद जो है पार्टी डिसिप्लिन के लिए एक 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई थी जिसमें राणा नजीर नूर शकूर तालब नकई चौधरी जही और राणा असलम जो है वो शामिल थे। और अब जो ये कल मुलाकातें हुई हैं उसके बाद जराए का ये कहना है कि ये मुलाकातें जो हैं वो IPP की सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं थी। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट के लिए ये मामलात होते तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान इसमें शरीक होते और मामलात को तय किया जाता। जराए का ये कहना है कि बेसिकली जहांगीर तरीन और लोधरा से खुद और अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं जबकि ओन चौधरी जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये अपनी सीटों के लिए जो है मुलाकात हुई थी और क्योंकि लोधरा के अंदर सदीक खान बलोच और अब्दुल रहमान कांजू जो है उनके दरमियान भी सुलह हुई है और माजी में भी जब जहांगीर तरीन के बेटे वहां से अली तरीन लड़े थे तो उनको वहां से शिकस्त हुई थी तो उसके बाद अब आइंदा के लिए जो है वो अपनी सीटों के एडजस्टमेंट के लिए ये जो है वो मुलाकात हुई थी जबकि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन भी हुए उसके अंदर अब्दुल अलीम खान ने जहां पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को तनकीद का निशाना बनाया तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। काशिफ सुलेमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।